नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं, इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की और सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चीन, जापान समेत कई देशों में कोरोना से हालात बेकाबू होने के बाद भारत भी सतर्क हो गया है। देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर देश में कोरोना की स्थिति और निगरानी, नियंत्रण व प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 पॉजिटिव मामलों के सैंपल इंसाकॉग प्रयोगशालाओं में भेजने की सलाह दी गई, ताकि नए वेरियंट की ट्रैकिंग की सुविधा मिल सके। चीन, जापान समेत कई देशों में कोरोना से हालात बेकाबू होने के बाद भारत भी सतर्क हो गया है। विशेष रूप से आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए COVID-19 के नए वेरिएंट के खिलाफ तैयार और सतर्क रहने पर जोर दिया गया। साथ ही चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर सतर्क रहने को कहा गया। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय SARS-CoV-2 इंसाकॉग नेटवर्क के माध्यम से वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पॉजिटिव केस सैंपल के पूरे जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश दिया, ताकि देश में चल रहे नए वेरिएंट का समय पर पता लगाया जा सके। गौरतलब है कि चीन में COVID-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के 3 मामले भारत में भी सामने आए हैं। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने भारत में BF.7 के पहले मामले का पता लगाया था। उन्होंने कहा कि अब तक गुजरात से 2 मामले सामने आए हैं, जबकि उड़ीसा से 1 मामला सामने आया है। फिलहाल कोरोना को लेकर निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, पर इन पर अमल कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।